चलो रे माए औले आ पीर के दरबार नमस्कार। सुर सप्तक की आज की कड़ी में एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो विषय आपके लिए लेकर आए हैं वो है घरानेदार तालीम, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम बहुत आभारी हैं कि उस्ताद शाहिद परवेज़ ख़ान साहब सितार नवाज़ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। बेहद मसरूफियत के बावजूद वो यहाँ आए, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उस्ताद जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इनके साथ संगति करने वाले कलाकार हैं तबले पर श्री सुभाष निर्वाण जी और तानपुरे पर हैं श्री जगदीश कुमार। तो उस्ताद जी, आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि घरानेदार तालीम में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जी तो आपके घराने में यहाँ से शुरू करें तालीम के जी बारे में। जी सबसे पहले मुझे लगता है कि संस्कार डालने के लिए पहले सुनना चाहिए, जी बच्चों को सुनवाना चाहिए, म्यूजिक सुनवाना चाहिए। जी आप लोगों ने सुना होगा, कहावत कहते हैं कि देखिया सीखिया और परखिया। परखिया। तो पहली चीज़ है, देखिया का मतलब होता है सुनना, जी सीखिया मतलब फिर उसकी तालीम लेना, और परखिया का मतलब होता है रिसर्च करना। जी जी तो सबसे पहले सुनना, जी जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं होंगे, जब तक एक अच्छे सुनकार नहीं होंगे, क्या जब बात, तक सुनकार बहुत अच्छा शब्द है। जी जब तक उसके आगे नहीं बढ़ सकते, उसके आगे का मतलब होता है ना ही आप ठीक से सीख पाएंगे, ना अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, ना अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। तो पहले पहली चीज होती है कि सुनना, जी जिससे जिसको कहा जाता है कि भाई आपके घर में या आपके घराने में एक माहौल होता है म्यूजिक का। जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आपने सुना होगा काफी। जी सबसे ज्यादा मेरे मेरी अपनी सोच ये है कि सुनने से इंसान सीखता है। इसमें जी लोगों का सोचना ऐसा कि गुरु के सामने बैठ के सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो है ही, मुझे लगता उससे है भी पहले उससे भी पहले और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पहले सुनना चाहिए। जी तो संस्कार में सबसे पहली चीज ये आती है जी कि सुनना चाहिए। कैसे? जी जी उसमें सुनने में तीन तरह के सुनना होता है, तीन अच्छा तरीके से। जी ये बहुत अच्छी और जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। जी तीन तरह की लिसनिंग होती है। जी एक होती क्रिटिकल लिसनिंग, दूसरी होती इमोशनल लिसनिंग, क्या बात है। और जो होनी चाहिए वो होती है एक्चुअल लिसनिंग। इमोशनल में ये हो जाता है कि मेरा बेटा बजा रहा है, मेरा बेटा गा रहा है, या मेरा गुरु गा रहा है, या मेरा कोई रिश्तेदार है, इमोशन जुड़ जाते हैं उसके साथ, जी तो वो ठीक तरह से सुन नहीं पाएगा, सुनने के साथ इंसाफ नहीं कर सकेगा वो। एक बायस आ जाता है जी क्रिटिकल लिसनिंग ज्यादातर इस तरह की लिसनिंग होती है कि क्या जी गलत है, क्या चीज खराब है, उसको देखना। इस तरह अगर इंसान सुनेगा तो उससे बहुत सारी अच्छी चीजें छूट जाएंगी। जी एक्चुअल लिसनिंग का मतलब होता है कि पहले ये देखें कि हम उससे क्या ले सकते हैं, पहले क्या हम सीख सकते हैं उससे। जी उससे सबसे ज्यादा फायदा भी होगा और इंसान बायस्ड भी नहीं होगा और वो अच्छी तरह से उसको सुन पाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जी रहे। तो इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं सुनने पे कि पहला स्टेप है। जी अगर पहला स्टेप ही गलत हो जाए, श्री गणेश ही गलत हो गया, तो फिर आगे तो सब सीधा होना मुश्किल है। तो पहले सबसे संस्कार में सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ है सुनना। कैसे कान सुनना चाहिए? कान सेन। कहते उसके बाद हैं ना कान बनाना, जी
ये बहुत बिल्कुल, बड़ी बात यही बेस होता है है, कान बना सीखने दो के लिए भी। जी। उसके बाद ये आता है कि फिर आपका सीखने का टाइम शुरू होता है कि कैसे आपको सिखा रहा है गुरु आपका। म्यूजिक में, ट्रेडिशन में, जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारा जो सब्जेक्ट है परंपरा है जी और तालीम, जी परंपरा के बिना तालीम भी नहीं होगी, इसलिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी और परंपरा ये है म्यूज़िक की कि अगर आप म्यूज़िक में कुछ भी सीखना चाहते हो तो ज़रूरी है सबसे पहले गाना सीखना। क्या बात है जी, हृदय इवन की अगर भाषा है जी, इसकी वजह ये है कि अगर आप तबला भी सीखते हैं तो जी गाना आपको सुर पता होना चाहिए, वरना आप मिला नहीं सकोगे। जी बिल्कुल तो गाना सीखना ज़रूरी है, और गाना सीखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएं, जी देखिए जब आप एक राग गाते हैं या बजाते हैं, राग तो माल कौन सा है, वही गाने में वही बजाने में, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। जी लेकिन आप देखेंगे कि जब गाया जाता है तो कुछ और उसकी शक्ल होती है, जब बजाते तो शक्ल बदल जाती है, ऐसा देखा होगा जरूर आपने। बिल्कुल ऐसा ना हो इसलिए पहले गाना सीखें। क्या बात लोगों ने इसको जरा सा गलत तरीके से समझा, बोलने में समझने में गलती हुई, जैसे विलायत खां साहब ने कहा गायकी अंग, तो लोगों ने कहा कि गाने को इमिटेट कर रहे हैं, नहीं ये मतलब नहीं है उसका। क्या बात मतलब ये है कि पहला माना जाता है, सबसे पहला साज, नेचुरल साज जो है वो गला है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये दिया है। जी तो जिस तरह गले से अदा हो रहा है, और सिर्फ अदा नहीं, उसका जो असर हो रहा है सुरों का, और जिस तरह से राग खड़ा हो रहा है, उसी तरह से आप साज में भी करें। जी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गाने की कॉपी नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी वो बात ही होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, एक म्यूजिकल एक्सेंट भी होता है। जी जब आप गा रहे हैं तो मेरा मानना है कि जबड़ा गलत है, से या गले से नहीं, अंदर से आवाज आनी चाहिए। वो तो कंडीशन हो जाता है जी सांस, वो अनकंडीशनड होता है गाना तो वो एक एक्सेंट भी है जी गाने का, जी तो वो ही एक्सेंट जो है वो बजाने में आना चाहिए। मसलन जब हम सरगम कहते हैं तो सारे गामा पदा नी सा सा नी दा प मगरे सा, जी हम ये नहीं कहते कि सा रे गा मा पा दा नी सा, ऐसा नहीं कहते। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे इंडियन म्यूजिक में जितने इम्पोर्टेंट सुर हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट श्रुतियां हैं, क्या बात, उसके बगैर हमारा क्लासिकल म्यूजिक सुर नहीं के होता। रिश्ते हैं, जी एक सुर का दूसरे से जब रिश्ता बनता है तो श्रुतियां बोलती हैं। तो ये गले से आया, इसीलिए साज में भी वैसे अदा करें आप, क्या ये बात एक्सेंट बनता है फिर उसका। जी तो गायकी अंग का वो मतलब जो विलायत खां साहब ने समझाया था वो यही था कि भाई जैसे गाना होता है वैसे बजाना, कुछ अलग नहीं है, ये हमारा मीडिया है अलग, कोई गले से गा रहा है, कोई सितार से गा रहा है। देखिए मैं भी ऐसा मानता हूँ, शायर लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही ऊंचा होता है। जब ये साज में गायकी अंग नहीं था, उससे बहुत पहले किसी ने शेर कहा है जी कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। जी मखसूस का मतलब होता है लिमिटेड। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। उन्होंने हर क्या सांस पे बात है, बजाया नहीं जाता नहीं क्या कहा, बात ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से दे दिया गया है जी कि गाना चाहिए। जी जी तो मेरा पहला पॉइंट था कि जब सीखना शुरू होता है, चाहे कोई कुछ भी सीखे, तो पहली चीज है उसे गाना गाना सीखना चाहिए, और दूसरी चीज है कि उसे थोड़ा सा तबले का भी ज्ञान होना चाहिए। सुर और लय दो ही तो चीजें हैं, जी उसके बगैर आप क्या करोगे इसमें। जी तो ट्रेडिशन में यह है कि आपको कुछ भी सीखना हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, पहले गाना सीखें, थोड़ा तबले की भी तालीम लें, और फिर अपने इंस्ट्रूमेंट पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। क्या बात है। तो उस्ताद जी, आपने अपने पिताजी से जो शिक्षा ली उसका एक छोटा सा उदाहरण हमें, कोई भी आपका मन का राग जिससे पिताजी की याद आती है वहां से हम श्री गणेश करें। जरूर।
आपने जैसा कि कहा कि मेरे पिताजी की याद आती है, ऐसी कोई राग या ऐसा कोई सुर नहीं, या याद ऐसे तो बजाते हो? पूरी सभी राग से होती है, लेकिन कोई एसोसिएशन जिसमें एकदम से पिताजी इस वक्त आपको याद आ रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी जब मैं बजाता हूँ तो ऐसी कोई घड़ी नहीं होती जिसमें उनकी याद ना रहे, क्या बात है, क्योंकि ये आज जो क्या भी मैं बात है, हूँ उन्हीं की वजह से है। क्या बात, क्या बात, मैं आपको राग देश सुना रहा हूँ। क्या बात।
उस्ताद जी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद इसी चर्चा पर लौट कर आएंगे। हमारी चर्चा चल रही है उस्ताद शाहिद परवेज खान साहब से, जो हमें घराना तालीम के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। उस्ताद जी, पिताजी ने आपके घर घराने में उनका बहुत बड़ा रोल है और कंपोजर भी थे, तो उनके उनकी याद में कोई एक वाक्या हमें सुना दीजिए, कोई छोटी सी बात जिससे वो झलक, उनकी झलक मिल जाए हमें, कोई ऐसी बात हमें सुना दीजिए उनके बारे में। सबसे पहले जब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई और बताया था कि उसका मतलब बहुत देर में समझ में आया। उन्होंने कहा, बेटा स्वर है ईश्वर, लय है ज्ञान। क्या बात है। स्वर को साधना तो पड़ता है जी, साधे बगैर तो आएगा नहीं, लेकिन स्वर जो है वो पहले से ही मिला होता है। किसी किसी को मिलता है, किसी को ढूंढना पड़ता है। ढूंढना किसी में साक्षात नहीं होता, जी वही मेरा होता कहने का तो सभी मतलब में ही है। तो इसीलिए कहा कि स्वर है ईश्वर और लय है ज्ञान जी। और लय जो चीज है उसको बाकायदा सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जी तब जाके। और उसका ऐसा नहीं कि एक बार सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो खत्म हो गया, उसे हमेशा करते ही रहना पड़ता करते है। जी, और सांस के साथ जुड़ा रहना चाहिए जी वो। हाँ जी जी, और मेरा ऐसा मानना है कि सुर और लय जो है वो दोनों आपस में एक साथ मिले हुए हैं, कुछ अलग नहीं है एक दूसरे से। क्या बात। मैंने तो ये पाया है जी कि सुर और लय अलग नहीं है। तो सबसे पहले एक तो उन्होंने एक चीज ये बताई, फिर उन्होंने जो मुझे बताया कि एक चीज को करते रहो। मैंने पूछा, ये तो हो गया अभी? तो उन्होंने पूछा कि हो गया का मतलब समझो पहले। जब आप एक चीज को गाते हो बार 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 बार, तो कहने लगे कि पहले वो याद होने लगती है जी। जब वो याद होती है तब आपके गाते या बजाते वक्त आपका एफर्ट नहीं लगता। जब एफर्ट एफर्टलेस हो जाता है तो उसमें स्पीड और क्लैरिटी आती है। क्या बात। फिर भी आप अगर करते रहे तो यही चीज में फिर एक लाइट आती है। क्या बात है, उसको कहते हैं आत्मसाद हो जाती है जी। क्योंकि तो आत्मा में तो लाइट ही है। जी 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 क्या बात। तो ये उनकी तालीम की कुछ चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि बेटा दो तरह के गुरु होते हैं, जी। एक जिनसे आप सीखते हो सामने बैठ के, और दूसरे जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनसे आप प्रेरणा लेते हो। जी। क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक ही इंस्पायरिंग म्यूजिक है, ये प्रेरणा से आता है। म्यूजिक जो शब्द है जी, वो म्यूज से बना है और म्यूज का मतलब ही है इंस्पिरेशन। बिल्कुल। हा? तो ये हमारा खास तौर से यही है कि इसीलिए वक्त के साथ सुबह क्या इंस्पिरेशन मिलती है, तो सुबह का राग। क्या बात। जगह से इंस्पायर होता है, लोगों से इंस्पायर होता है, जिस तरह का माहौल है उससे इंस्पायर होकर उसी तरह का म्यूजिक निकलता है। कोई छोटी सी इनोसेंट बात हो जाती है तो बंदिश फूट आती है जी, ऐसे भी होता है जी। तो उन्होंने ये भी समझाया, तो मेरे भी इस तरह के गुरु हुए जो इंस्पिरेशन वाले गुरु हैं। जी जी। तो दो तरह के इसमें गुरु होते हैं म्यूजिक में, लेकिन लोग उसको रियलाइज नहीं करते, वो नाम उन्हीं का लेते जिनसे उन्होंने सामने बैठ के सीखा है, जिनसे इंस्पिरेशन लिया है, उनका नाम वो नहीं लेते लेकिन लोग लेते कि उनका झलक रहा है। अच्छा। समझ आ गई। तो आप किन से इंस्पायर्ड हैं, पिताजी किन से इंस्पायर्ड रहे? पिताजी तो काफी लोगों का नाम लेते थे, लेकिन मैं जिन लोगों से इंस्पायर हुआ उसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब और उस्ताद विलायत खान साहब। क्या बात। इन लोगों का मेरे म्यूजिक पे बहुत असर है जी। जी। इन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला।
जी और भी जी लोगों से मिला, लेकिन मेनली आप जब देखेंगे तो ये ज़्यादा आपको इसमें मिलेगा। मिलेगा आपकी अप्रोच में, आपके जी जहन में बहुत उतरे। जी तो हम आपसे एक और छोटा सा कोई भी चीज़ सुनना चाहेंगे उस्ताद जी। राग हंस उधनी, दो बंदिशें हैं, एक पहली वाली एक ताल में और दूसरी तीन ताल में। दूसरी वाली आमिर खान साहब की है, वो जो तराना है। उस्ताद जी
जी, आपने बहुत सिखाया और आपके शागिर्द हर जगह हैं, विलायत में हैं, भारत में हैं। तो आपने कोई टीचिंग मेथड आपका ज़रूर बना होगा सिखा जी सिखा के। जी तो ये मेथोडोलॉजी तो सभी परफॉर्मर बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो खुद गाते या बजाते हैं, वो उनकी शिक्षा भी उसी तरह से बन जाती है। जी तो आपकी आपके टीचिंग मेथड की क्या खास बातें हैं, और आप इस सिलसिले को कैसे आगे चलाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि जो टीचर होते हैं, जो सिखाने शिक्षक होते हैं, इसमें ज़्यादातर वो लोग परफॉर्मर नहीं होते हैं। ये अजीब बात है, क्योंकि जो बजाता है उसी को उसी को वो अपनी शैली ही तो सिखाता है। और और ये क्यों ज़्यादा होता है? मैं आपको वही बता रहा हूँ जी कि ज़्यादातर मैंने जो देखा कि जो शिक्षक होते हैं, सिखाते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो सिखाने वाले अलग होते हैं, परफॉर्मर जो होते हैं ज़्यादातर तो अच्छे शिक्षक नहीं होते, ऐसा मेरा मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। कुछ है ज़रूर, जी लेकिन मुझे लगता है कि फ़ायदा जब भी हो सकता है कि जो शिक्षक हो वो अच्छा परफॉर्मर भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि या जो अच्छा परफॉर्मर है वो अच्छा शिक्षक भी हो, क्योंकि आप जी जब गा बिल्कुल पाएंगे तो ही आप बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है कि आज एक इंसान सीखता है एक गुरु से, लेकिन सोचता है कि मैं उनके जैसे बजाऊं या उनके जैसे गाऊं, तो हाँ उसमें प्रॉब्लम आता है। अगर उनका गुरु वही हो जिससे उनको इंस्पिरेशन भी मिल जाए, हाँ जहाँ मन बैठ गया तो है। वो ज़्यादा हाँ आसान होता है। जी, अब सिखाने की पद्धति का ऐसा है कि भीमसेन जी ने अपनी किताब में लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है, उसको मुझे समझाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। वो कहते हैं कि जिसको आता है वो सीखता है, जिसको नहीं आता है वो सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो लोग सिखा रहे हैं उनको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग सिखा रहे हैं और वो जो उनको लोग आता है तो सीख ही रहे कर हैं सकते उन्हीं को आता है, ये इसका मतलब नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि जो शिक्षक हैं सही, उनकी नज़र इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको सीखना आ जाता है, तो वो उनका सीखना तो जारी ही रहता है, और जो उनको आता है उसमें से वो सिखाते रहते हैं, और वही सही शिक्षक है। क्योंकि जो टीचिंग मेथड है वो मेथड बनता ही आपके स्वयं की शैली से है। जी आप जो सिखा रहे हैं वो आप जिस सिलसिले या जिस जो बात आपने कहनी है वो आपने भोगी है, तो ही तो आप वो बात कहेंगे। बिल्कुल सही है तो आप, हाँ, टीचिंग मेथड की बात हो रही थी। जी। तो टीचिंग मेथड मेरा जहाँ तक ताल्लुक है कि वो बदलता रहा, जी, जब मैंने क्या बात, सीखा। वो बदलेगा, क्योंकि नाद योग एक रफ्तार है उसकी, वो बहता है, और जी साधना भी रुकती नहीं तो जी टीचिंग मेथड भी रुकता नहीं। जी क्या बात है। हाँ तो मेथड बदलने की वजह ये थी कि सिखाते वक्त बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली, क्या बात है। और जैसे हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, मैं सिखा भी रहा था और मेरी भी ट्रेनिंग चल रही थी कि कैसे सिखाना है। क्या बात, और मेथड कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो एक ही मेथड सबके साथ काम मेथड आए। का मतलब उस्ताद जी ये है कि आप जैसे गाने में हम सा लगवाते हैं, कई जी कई साल तक वो समझाया जाता है, पलटे होते हैं, बंदिश होती है, तो कई बार उस्ताद एक राग सिखाते हैं, फिर एक सुर बदल के दूसरा राग सिखाते हैं। वो एक अप्रोच या एक अप्रोच होती है जिसको हम मेथड कहते हैं। जी तो उसमें ऐसा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉमन हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हर इंसान के साथ बदलेगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक मरीज़ का रोग अलग अलग होता है और उसको डॉक्टर बहुत अच्छी अलग अलग दवा देता है। जी।
तो इसी इसी बात को रखते हुए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे कोई सीनियर शागिर्द थे, उनको मैंने कहा कि मैं मेरी एब्सेंस में जब तक आप इनको सिखाओ और ये सिखाना। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये भी बताया कि क्या क्या सिखाना है, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको बताया कि मैंने आपको आपके हिसाब से सिखाया है, क्या बात लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपके पास सीखने आएगा उसका हिसाब वही हो जो आपका है, तो वो आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं उनका हिसाब आपको बता के जा रहा हूँ। क्या बात तो क्या ये बात मेरा कहने का मतलब था कि जी मेथड भी अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती है और मेथड बदलते भी रहते हैं, और सिखाने के दौरान इंसान को बहुत कुछ सीखने मिलता है। असल में सिखाते वक्त शिष्य को देखते ही वो दवा याद आ जाती है, जी वो बिल्कुल भी सही कह होता रहे है, हैं। जी लेकिन एक ब्रॉड फॉर्मेट तो होता ही है जी जी बिल्कुल कि हम बेटा सा लगाओ, 5 साल पुराना जमाना था, लगाओ सा और उस पर, और सा शुड नॉट बी स्टैटिक, इट शुड, आप जब तक रोएंगे नहीं उस जी सा जी लगा के जी जी तो जी लगाते जाइए, सही बात है है। ना। जी तो जी टीचिंग टेक्निक्स भी होते हैं उस्ताद जी, जी जैसे टेक्निक में ये आता है कि पहले तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ हैंड्स, जवा और बहुत सारी बातें हैं, फिंगर्स, लचक, लोच, ये सारा कुछ होता है। तो इस बारे में कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। इसमें ये है कि जिस तरह गाने में अगर आप सुरीले हैं और आपकी आवाज़ अच्छी है जी तो आपको सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी मेरा ये मतलब नहीं है कहना, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि गाना आसान है या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक मुश्किल है, ये मेरा कहना नहीं है। जी मैं कि दोनों डिफरेंट है बहुत, जी उसमें अलग तरह की मुश्किलात होती है, इसमें थोड़ी अलग तरह की मुश्किलात होती है। अगर आपका गला सुरीला है और आप टैलेंटेड हैं म्यूज़िक में, तो आपको सीखने में दिक्कत इतनी नहीं आएगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में देखा गया कि अगर वो टैलेंटेड भी है, सुरीला भी है, लेकिन उसका हाथ नहीं उतना काम कर रहा है, उसकी कोई और रीजंस की वजह से स्टिफ है, अच्छा ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अलग एक्सरसाइजेस देनी पड़ती हैं। फिर कई बार इंस्ट्रूमेंट के साइज़ भी अलग अलग लोगों के बनावट के हिसाब से बदलते हैं। जैसे कोई लंबा चौड़ा है तो उसको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट भी बड़ा रखना है, अच्छा थोड़ा कोई शॉर्ट है तो उसके हिसाब का इंस्ट्रूमेंट क्या होना बात चाहिए। है। अगर किसी को उंगलियों में तकलीफ़ होती है तो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए तार, थोड़ा सॉफ्ट हो। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स की बात आती है उसमें जी कि किस तरह से उसको बताना है। तो ये हम लोग उनको समझाते हैं कि भाई इस तरह से करना है। और इसमें क्या होता है कि जो सितार की बैठक है, ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है बैठना। पहले तो बैठने में दिक्कत होती है, अच्छा अगर कोई थोड़ा सा ओवरवेट हो तो बैठने में ही दिक्कत हो रही है, हाथ रखने में दिक्कत हो रही है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी जैसे पांच चीज़ें गलत हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता उनको कि आपका ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, वो तो भाग जाएंगे फिर। तो उनको कहना पड़ता है कि सिर्फ आप बैठना ठीक कर लो, बाकी ठीक है। अच्छा तो जब बैठना ठीक हो जाता है, अब थोड़ा सा हाथ को भी सीधा कर लो। इस तरह से मतलब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो जी इसमें भी काफ़ी टेक्निक का काफ़ी जोर टेक्निक है। की बहुत बड़ा रोल है जी जी कि जी टेंशन कैसे उतारें। जी और एक और बात है उस्ताद जी कि आजकल के ज़माने में पुराने ज़माने का तो टाइम फ्रेम नहीं है, जी कम वक्त है, तो साधना पूरी रहे लेकिन बच्चे थोड़ा कम समय में बन जाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए या इसके लिए कोई उपाय है या आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि कम समय में हो जाए, आप एक बात बताइए मुझे कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है जी और वो उस क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, वो सबसे ब्रिलियंट है, जी बाकी लोगों के जितने मार्क्स आते हैं उसके 90% आते हैं, बाकी के 80 के ऊपर नहीं आते, जी लेकिन फिर भी उसको एक साल एक क्लास में गुजारना ही पड़ेगा,
क्या पॉसिबल है 6 महीने में वो क्लास बदल ले? उस्ताद जी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जी सभी की एक शैली होती है, कई बार उस शैली को पहुंचाने के लिए हम ऐसे पलटे बना देते हैं कि वो जनरल पलटे नहीं है, वो शैली खोल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो एक समय कम की बचत है, बहुत समय की बचत है। और एक बहुत और बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स इधर उधर सीखते हैं। अब अगर आप एक जगह टिक कर सीखेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मा आपका और गुरु के बीच में, 10 टीचर्स बीच में बाधा नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है। वो कितने टीचर्स आ जाते हैं तो द सोल डज नॉट रिएक्ट एनी मोर, राइट है ना। तो ये सारी बातें हैं जिसमें बहुत सारी शिक्षा का असर जल्दी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल इन होता है, बातों को ध्यान रखें कि बिल्कुल फलां से सीख लिया, फिर फलां से सीख लिया, नाम के पीछे सीख लिया, ऐसे सीखा। अगर एक एक जगह सीखेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन गुरु की छवि बदलती रहेगी। तो गुरु की आत्मा के भी बहुत सारे जो अटकाव हैं वो भी तो सामने रहेंगे ना, जी बिल्कुल जो लोग इधर उधर जाते हैं सीखने के लिए, जी। और समय बर्बाद होता है, क्योंकि एक गुरु की जो एनर्जी आपके अंदर जा रही है वो फलेगी फूलेगी, लेकिन वो बदल देंगे तो कहाँ जाएगी बात, जी है ना। यहाँ पे 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जब कहीं आप सीखते हैं तो वहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, ये जब ही हो सकता है कि जब वो सिखाने वाला वाकई गुरु हो, सिर्फ जी टीचर ना हो, जी सिर्फ बिल्कुल शिक्षक ना हो। जी गुरु जी में और इसमें फर्क है। और मेरी एक और कैटेगरी, इसमें मैं 2 कैटेगरी रखता हूँ, एक तो गुरु होता है और एक सदगुरु होता है। क्या बात है जी। गुरु वो होता है कि जो सही रास्ता दिखाता है, और सदगुरु वो होता है जो सही रास्ते पे ले जाता है। क्या बात तो अगर आप सदगुरु के पास हैं तो फिर एक ही ठीक है, जी। फिर जरूरत नहीं है आपको। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, शॉर्टकट जो होता है वहां हो सकता है जहां रास्ते आड़े टेढ़े हों, सीधी रास्ते में शॉर्टकट कहाँ से लाएंगे आप? मतलब मेरा ये हाँ, कहना है कि मैं कुछ शॉर्टकट चीज, नहीं कह रही, नहीं, मैं समय की मैं बचत। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये बात आती है जब लोग सुनते हैं इसको कि जरा टाइम की बचत हो जाए, तो वो उसके उनके दिमाग में शॉर्टकट ही आएगा। है शॉर्टकट भी है, कुछ रिसर्च की गई है ऐसे कि जो पहले के जमाने में एक चीज को 10 साल करना, उस वक्त इतनी सिखाने की हाँ, मैं सीखने की उसी जल्दी नहीं होती थी लोगों हाँ को। वही लोग बात पूछ रही सरेंडर थी। होते थे, अगर उनको म्यूजिक से प्यार है तो उन्हें यह परवाह ही नहीं होती थी कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। इसीलिए कभी जल्दी कोई चीज जल्दी सिखाने के लिए कभी सोचा भी नहीं गया। आज वक्त की पाबंदी है, तो जरूर सब लोगों ने सोचा है इसके बारे में, और कुछ चीजें हुई भी हैं कि उसका टाइम की बचत जरूर होगी। लेकिन टाइम की जो बचत होगी वो आपके सीखने के मैटर में होगी, आपकी मेहनत में नहीं। क्या बात इस दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। मेहनत आपको तो मेहनत में आजीवन शॉर्टकट नहीं करनी, मिलेगा, बहुत अच्छी बात, आप वो मैं कह रहा हूं कि सीधा रास्ता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। उषा जी, लेते हैं अब छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इसी चर्चा पर बने रहेंगे, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है सितार नवाज उस्ताद शाहिद परवेज खान साहब से, और ये हमें तालीम विषय पर बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। आखिरी प्रश्न उस्ताद जी, कि फॉरेनर्स आपसे बहुत सीखते हैं, जी तो एक फॉरेन शिष्य में हिंदुस्तानियत कैसे पैदा करनी है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, उसके लिए आप क्या करते हैं? मेरे पास काफी लोग हैं जो बाहर के हैं और वो सीखते हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा मेरे गंडाबंद शागिर्द हैं। क्या बात। पैदा तो जब कर सकते हैं हिंदुस्तानियत, जब उन्हें हिंदुस्तान के लिए प्यार हो, तो जरूर हो सकता है ये।
वरना ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है और लंबा हो जाता है। जी मेरे पास दोनों एग्जाम्पल्स हैं। ज्यादातर लोग ऐसे आए जिन्होंने इंडिया के बारे में, उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्होंने ये सितार पहली बार सुना। जी तो जब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे इंडियन कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे इंडियन कल्चर सीखना है। तो मैंने कहा उसके लिए म्यूजिक से अच्छा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर बचा ही हुआ म्यूजिक में है, क्या बात है उस्ताद जी, और इंडियन कल्चर की सोल और जान जो है वो हमारे इंडियन म्यूजिक है। क्या बात है। तो यहाँ से उनको रास्ता मिला। तो फिर वो, मैंने उनको बताया और उस्तादों के नाम कि उनका म्यूजिक सुनो। जब उन्होंने सुना, उनको वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने कहा कि अब इसको जाके इंडिया में भी कुछ सुनो, फिर इंडिया को देखो। तो उन्होंने पहले म्यूजिक में आके फिर इंडिया को देखा, तो उनको इंडिया से प्यार हुआ, जी हिंदुस्तानी कल्चर से प्यार हुआ। जी ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी जो हिंदुस्तान के लिए पहले से बहुत प्यार रखते थे और मेरे पास आए, तो उनके लिए आसान था मेरे लिए सिखाना। जी जी तो दोनों एग्जाम्पल्स मेरे पास ऐसे क्या बात हैं। है उस्ताद जी, आप हमेशा अपने शिष्यों के साथ बने रहें, इसी दुआ के साथ आपके मन की गंगा और आपके घराने की गंगा बहती रहे, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। और सुर सप्तक अब लेता है एक छोटा सा विराम, अगले सप्ताह इसी रोज़ इसी समय हम आपके साथ फिर मिलने चले आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।